In this video, I am going to share with you all the Lifetime Worldwide box office collection of Bollywood film Rustam. Dosto, movie Rustam, jo release hui thi 12 August 2016 ko, ye ek Bollywood crime thriller movie hai jisko 5 mein se 3.5 star ki rating di gayi thi. Iske director hai Tinu Desai, iske producer hai Neeraj Pandey aur iske writer hai Vipul Rawal. Baat karte hain cast ki, isme Akshay Kumar, ईशा गुप्ता, इलियाना डिक्रूस, पवन मल्होत्रा, अर्जुन बाजवा और कुमुद मिश्रा, ये सब इसमें लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे. इनके अलावा भी फिल्म के अंदर काफी सारी कास्ट नजर आई थी. फिल्म की जो स्टोरी है वो बिल्कुल रियल स्टोरी पर बनाई गई है. एक बार क्या हुआ था, 1959 में एक नेवी ऑफिसर ने अपने वाइफ के लवर को मारने की कोशिश की थी, उसी के ऊपर फिल्म की स्टोरी बनाई गई है. ये फिल्म क्लैश हुई थी ऋतिक रोशन की फिल्म मोहनजोदारो के साथ. चलिए बात करते हैं कलेक्शंस की. उससे पहले स्क्रीन काउंट्स की बात करें तो फिल्म को इंडिया में 2317 स्क्रीन्स में इंडिया में रिलीज किया गया था और इंडिया से बाहर ओवरसीज मार्केट में 550 स्क्रीन्स में रिलीज किया गया था. दोनों को इंक्लूड करके, दोनों को मर्ज करके फिल्म को वर्ल्ड वाइड 2867 स्क्रीन्स में रिलीज किया गया था. अब बात करते हैं कलेक्शंस की. फिल्म का इंडिया का लाइफ टाइम जो नेट कलेक्शन था वो था 127 करोड़ 49 लाख रुपीस का. इंडिया का लाइफ टाइम जो ग्रॉस कलेक्शन था वो था 177 करोड़ 7 लाख रुपीस का. इंडिया से बाहर ओवरसीज मार्केट में 42 करोड़ 94 लाख रुपीस की कलेक्शन की थी. और सब कुछ इंक्लूड करके फिल्म का लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड जो टोटल ग्रॉस कलेक्शन था वो था 220 करोड़ 1 लाख रुपीस का, 220 करोड़ 1 लाख का. इसका बजट था 50 करोड़ का. अब 50 करोड़ के बजट के हिसाब से फिल्म का जो इंडिया का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था और इंडिया से जो बाहर ओवरसीज का जो कलेक्शन था, अगर हम दोनों को इंक्लूड करके वर्डेड की बात करें यानी कि हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता रही कि रुस्तम बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. फिल्म की ऑफिशियल वर्डेड थी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर की. वैसे बता रही कि फिल्म जो आई थी 2016 में अक्षय कुमार की टोटल 3 फिल्में रिलीज हुई थी और तीनों फिल्में टॉप 10 में शामिल हुई थी. अब बात करते हैं गानों की, तो फिल्म की गानों की एल्बम में टोटल 10 गाने थे और गाने के जो लिरिक्स होते हैं वो लेके थे मनोज मुंतशिर ने. फिल्म ने टोटल 2 अवार्ड्स जीते थे, 2 में से 1 अवार्ड जीता था अक्षय कुमार ने जो कि था बेस्ट एक्टर का, और वो अवार्ड मिला था नेशनल फिल्म अवार्ड्स में. तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही. मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीव्यूज का होस्ट. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी बन जाइए मेरे दोस्त. अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.